नमस्कार, बोलता बिहार न्यूज़ मीडिया में आपका स्वागत है। कांग्रेस भवन तेगरा में आधुनिक भारत के निर्माता, भारत रत्न, युवा सम्राट, पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की पुण्यतिथि तेगरा नगर अध्यक्ष रणधीर मिश्रा की अध्यक्षता में आयोजित की गई। अपने संबोधन में रणधीर मिश्रा ने कहा कि देश में पीढ़ीगत बदलाव के उग्रदूत राजीव गांधी को देश के इतिहास में सबसे बड़ा जनादेश हासिल हुआ था। अपनी मां के कलह के बाद 31 अक्टूबर 1984 को वे कांग्रेस अध्यक्ष और देश के प्रधानमंत्री बने थे। अपनी मां की मौत के शब्द में से उबरने के बाद उन्होंने लोकसभा के लिए चुनाव कराने का आदेश दिया। दुखी होने के बावजूद उन्होंने अपनी हर जिम्मेदारी को बखूबी निभाया। मौके पर आपका आंचल संस्था का अध्यक्ष अवधेश चौधरी ने कहा कि राजीव गांधी जी देश के कंप्यूटर क्रांति के जनक के रूप में जाने जाते हैं। वे युवाओं के लोकप्रिय नेता थे। उनका भाषण सुनने के लिए लोग घंटों इंतजार किया करते थे। उन्होंने अपने प्रधानमंत्रित्व काल में कई ऐसे महत्वपूर्ण फैसले लिए जिसका असर देश के विकास में देखने को मिल रहा है। आज हर हाथ में दिखने वाला मोबाइल उन्हीं के फैसलों का नतीजा है। वहीं आपका आंचल संस्था के सचिव कामिनी कुमारी ने कहा कि संयोग बस मुझे आज इस महामानव को पुण्य अर्पित पुष्प अर्पित करने का मौका मिला। स्वभाव से गंभीर लेकिन आधुनिक सोच और निर्णय लेने की अद्भुत क्षमता वाले राजीव गांधी देश को दुनिया की उच्च तकनीकों से पूर्ण कराना चाहते थे। वे बार बार कहते थे कि भारत की एकता और अखंडता को बनाए रखने के साथ साथ ही उनका अन्य बड़ा मकसद 21वीं सदी के भारत का निर्माण था। अपने इसी सपनों को साकार करने के लिए उन्होंने देश में कई क्षेत्रों में नई क्रांति की, जिसमें संचार क्रांति और कंप्यूटर क्रांति, शिक्षा का प्रसार, 18 साल के युवाओं की मताधिकार, पंचायती राज आदि शामिल है। अपने प्रिय नेता के तले चित्र पर उमेश कुमार, राम बाबू शाह, योगेंद्र शाह, पंकज सिंह, सरोज कुमार पासवान सहित दर्जनों कार्यकर्ताओं ने पुष्प अर्पित कर नमन किया। तेगरा से अशोक कुमार ठाकुर की रिपोर्ट।